हाय रूबी, हाउ आर यू? आप दोनों को जब मोहब्बत याद आती है तो आप लोग मुझे भूल जाते हो। क्या करें रूबी, मोहब्बत करने वालों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। लेकिन मुझे अपनी मोहब्बत बहुत अच्छी तरह याद है। मेधा, मैं चलता हूँ, I'll call you later. Bye, Ruby. एक ना कैसा है दीदी? ठीक है, अच्छा है। उसे भी याद रखा करो दीदी, अपनी कुछ खास पुरानी यादों के हवाले मत कर दो एकनाथ का प्यार। रूबी तुम, आई एम सॉरी, छोटा मुंह बड़ी बात कर रही हूं, लेकिन बात अगर एकनाथ की ना होती तो शायद मैं नहीं कहती, लेकिन कहना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारी और एकनाथ की मोहब्बत के लिए कुछ कुर्बानियां दी गई थी, और कुर्बानियां जब जाया जाती है तो बहुत बुरा लगता है। बहुत बुरा तो तब होता रूबी जब एक कुर्बानी के पीछे किसी की जिंदगी की सारी खुशियां बलि चढ़ा दी जाती। मैं समझी नहीं। शुरुआत में हमें यह भरम होता है रूबी कि यह रिश्ता हमें जिंदगी भर की खुशी हासिल कर देगा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही यह भरम टूट जाता है। तो बेहतर है कि लौट आए और उस सफर को जारी रखने की गलती ना करें। तो क्या जो सफर तुमने एकनाथ के साथ शुरू किया था उसे तुम वापस लौट आई? हाँ रूबी, शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में लड़ाई, झगड़े, गुस्सा, नाराजगी, इल्जाम, हमारा प्यार कुछ इस तरह चल रहा था। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों हुआ? बाकी लोगों की तरह तुम्हें भी ये मेरी गलती लगी रूबी, लेकिन एकनाथ के साथ होते हुए भी मैं ऋषभ की कमी महसूस कर रही थी। एकनाथ के प्यार में मैं ऋषभ के प्यार को ढूंढ रही थी रूबी, और एकनाथ के साथ प्यार का मैं दिखावा ढोंग कर सकती थी, लेकिन वो एकनाथ को बहुत महंगा पड़ता और उससे भी ज्यादा मेरे दिल को बोझ लगता। तो आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटना मैंने बेहतर समझा। दीदी, जैसे तुम ऋषभ की मोहब्बत भुला नहीं पाई, क्या वैसे ही तुम्हें एकनाथ का प्यार याद नहीं आएगा? सच पूछो तो हमारे जज्बात कभी मोहब्बत का दर्जा ले ही नहीं पाए थे रूबी। इससे पहले ही हम जान चुके थे कि हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। फिर जाना कि मेरी यादों ने एकनाथ की तरफ कोई भी डगर नहीं बनाई है। मेरे जज्बात के हर रास्ते सिर्फ और सिर्फ ऋषभ की तरफ जा रहे थे।